की, तो इस बार क्या ओला जी के दुर्ग पर भगवा लहराएगा? बिल्कुल भगवा लहराएगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, यहाँ झुंझुनू बीजेपी में एक एकजुटता की भी समस्या बार बार आती है। प्रतिनिधि और सारे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के अंदर व्यक्तिवादी व्यवस्था नहीं है। साहब बिल्कुल दिख रहे हैं, मुस्लिम वर्ग जो है राजेंद्र गुढ़ा की तरफ जा रहा है क्या? जा रहा है साहब। नहीं, आप ये बीजेपी कार्यालय में खड़े होकर कह रहे हैं? नहीं, मतलब सही बात को बात कर रहे हैं, वो जा रहा है। मुस्लिम वोट तो कभी भी नहीं मिलेंगे सर। नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? पूरे देश में तो मोदी जी को मिल रहे हैं, मोदी जी इतने प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, तो बिना मुस्लिम वोट के तो नहीं। कहाँ प्रचंड बहुमत? नहीं, पिछली। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। जिस खबर का काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था वो आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। राजेंद्र भांबू जी को यहां से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है और इस समय हम हैं राजेंद्र भांबू जी के ऑफिस में जो अग्रसेन सर्कल पर स्थित है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चारों ओर हंसी का माहौल है, खुशी का माहौल है, उत्साह है, उमंग है। भांबू जी के समर्थकों का, बीजेपी के समर्थकों का यहाँ पर लगातार आना जारी है। भांबू जी भी यहीं पर हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें फूल मालाएँ से उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाएँ पहनाई जा रही हैं, उन्हें मिठाई खिलाई जा रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे सारे लोगों का आना बढ़ता जा रहा है और बहुत ही खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है। अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ घिरे हुए हैं। बीजेपी में उत्साह का माहौल है, तो बीजेपी ने इस बार राजेंद्र भांबू जी को अपना नेतृत्वकर्ता नियुक्त किया है झुंझुनू से, और इन्हीं के नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी की सेनाएं यहां से निकलेंगी, गली गली कूचे कूचे में जाएंगी और बीजेपी का प्रचार करेंगी। इन्हीं के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस से, जो कि लगातार बीजेपी असफल हो रही है, उस असफलता को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। भगवा ध्वज एक बार फिर से यहाँ पर लहराने की कोशिश की जाएगी और लहराया जाएगा भगवा ध्वज को, ऐसा इन लोगों को यहाँ पर उम्मीद है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत बधाई हो, बीजेपी की टिकट आपको मिली है। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। सर, इस बार बीजेपी ने फिर एक बार आपके नेतृत्व में भरोसा जताया है, कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी खुशी है। मैं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लोकतांत्रिक दृष्टि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में चयन किया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे जेपी नड्डा साहब और राठौड़ साहब सभी को, सारे शीर्ष नेतृत्व को आभार जताना चाहूँगा। सर, तो अब आपके नेतृत्व में यहाँ से सेनाएं सजेंगी, झुंझुनू की गली गली कूचे कूचे में जाएंगी। आप लोगों को पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ समय से जैसे बीजेपी यहाँ सफल नहीं हो रही है, तो इस बार बीजेपी का परचम लहरा दिया जाएगा? निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बदली हुई हैं और यहाँ जो कांग्रेस वंशवाद की राजनीति कर रही है उससे यहाँ की जनता ऊब गई है और मोदी जी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है वो लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। और यहाँ झुंझुनू के लिए तो विशेष रूप से यमुना जल समझौता है और निश्चित रूप से लाइफलाइन सिद्ध होगा, इसलिए झुंझुनू की जनता इस बार बीजेपी को चुनेगी। आपने सर वंशवाद की बात की, तो इस बार क्या ओला जी के दुर्ग पर भगवा लहराएगा? बिल्कुल भगवा लहराएगा, इसमें कोई शक नहीं। और सर, हरियाणा में इस समय बीजेपी ने कमाल कर दिया, बहुत अप्रत्याशित चुनाव के रिजल्ट आए हैं। हाँ बिल्कुल, सारे सर्वे और सारी बातें ककड़िए, इसका वही कारण है जो मोदी जी का जो विजन है और जो देश के लिए काम करे और विदेशों में जो साख बनाई है उसी के परिणाम स्वरूप पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जनता चाह रही है और उसी का परिणाम हरियाणा भी उसी घड़ी में है। सर, मोदी जी ने कहा था कि जो हरियाणा विजय है उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी, तो क्या उसकी गूंज अपने झुंझुनू में भी सुनाई? झुंझुनू तो बिल्कुल हरियाणा से जुड़ा हुआ है, हरियाणा की संस्कृति यहाँ, तो यहाँ तो कोई शंका ही नहीं करनी चाहिए, यहाँ शंका नहीं करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं में सर कैसा उत्साह है, कैसी? कार्यकर्ता बहुत खुश है, बहुत उत्साह। झुंझुनू की विजय के बाद में और ज्यादा उत्साह है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, यहाँ झुंझुनू बीजेपी में एक एकजुटता की भी समस्या बार बार आती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेतृत्व में पूरी बीजेपी एकजुट होगी और अपने मिशन पर निकलेगी और ओला परिवार का जो गढ़ है उसको ढा दिया जाएगा, एक बार भगवा फिर से लहराएगा? मेरे नेतृत्व नहीं, जितने भी हमारे जो टिकट के आकांक्षी उसमें मैं भी शामिल हूँ और सारे जो टिकट के आकांक्षी, सारे हमारे जनप्रतिनिधि और सारे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के अंदर व्यक्तिवादी व्यवस्था नहीं है, इसमें संगठन सर्वोपरि है और बीजेपी का जो एजेंडा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सर के नेतृत्व में जैसा कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक बार फिर,
जो कह रहे हैं कि सर के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी यहाँ से एकजुट होगी, अब बीजेपी की सेनाएं यहाँ से निकलेंगी, गली गली कूचे कूचे जाएंगे, सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलो साहब। बताइए सर, बाबू जी को टिकट मिली है तो कैसा उत्साह है आप लोगों में? यानी कि झुंझुनू के अंदर एक अलग से एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी पैदा हो गई है। 70 साल से जो झुंझुनू बिछड़ा हुआ था ना, अब झुंझुनू एक अलग ही झुंझुनू बन जाएगा। अब अलग झुंझुनू होगा, आप लोगों को जीत का विश्वास है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर भगवा लहराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे शहर में लहराएगा, पूरे शहर में लहराएगा कि ओला जी के गढ़ में उनके दुर्ग में भी लहराएगा। मैं बताऊं, भगवा झुंझुनू के अंदर परमानेंट ही सेट हो गया मान लो। अच्छा, आप इनको टिकट मिलने से परमानेंट? 100 साल तक तो कोई लाने वाला ही नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, आइए हम उन लोगों से भी बात करते हैं। काफी इन लोगों में उत्साह है और उत्साह की बात भी है, और सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी कहेंगे। मेरा नाम है यूसुफ मुल्ला जी। यूसुफ मुल्ला जी, हाँ जी, बीजेपी ने यहाँ पे राजेंद्र बाबू जी पर अपना विश्वास जमाया है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे कैंडिडेट हैं, जितने की आपको संभावना कितनी लग रही है, क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबू जी के बारे में कि अच्छे आदमी हैं, बड़ी आदमी में हैं और गरीबों के काम आते हैं, मगर पहले थोड़ा चूक गए थे। अब ईश्वर अल्लाह का नाम लेके भामू जी को 100% जिता देंगे। मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 44, मैं इस मुल्ला हमेशा रहता हूँ खुला। ये आप ही की आवाज़ है कि और भी? यहाँ पर 100% मेरा विश्वास है कि कर सीट काट लेंगा। क्यों काट लेंगा? कारण क्या है? कारणों को के पहले कोई विकल्प नहीं थो और अब गुड्डा जी आगो से कुछ मंडे हंड है बस। राजेंद्र गुढ़ा जी का मुस्लिमों में आपको प्रभाव दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल दिख रहे हैं। मुस्लिम वर्ग जो है राजेंद्र गुढ़ा की तरफ जा रहा है क्या? जा रहा है साहब। नहीं, आप ये बीजेपी कार्यालय में खड़े होकर कह रहे हैं? नहीं, मतलब सही बात को बात ही करें, जा रहा है, जा रहा कैसे नहीं बात की बात। सर क्यों जा रहा? आप लोगों की जो समस्याएं होती थी उनको लेकर के आप ओला जी के पास नहीं जाते थे? नहीं, हमारी समस्या ये है कि हमारा एक मुस्लिम मंच, नए मंच की बात कर रहे हैं? नए मंच की बात कर रहा हूँ, एमडी साहब की बात कर रहा हूँ। एमडी साहब ने सारे मुस्लिमों का एक जगह इकट्ठा किया, महापंचायत हुई। हाँ, वो सब महापंचायत में मैं भी वहाँ मौजूद था। तो एमडी साहब ने कहा कि अगर मुसलमानों को टिकट नहीं तो वोट भी नहीं। तो इसमें तोड़ फोड़ और जो फुटकड़ होती है वो कबाड़ी में बिकती है, मगर ये कड़ है न, मेरी आत्मा से कहूँ कि यह सीट कर भामू जी की अच्छाई से में। तो इस समय हम हैं यहाँ पर राजेंद्र भामू जी के कार्यालय में, घर में, जो कि अग्रसेन भवन पर स्थित है, और ये आप देख रहे हैं कि इनका ये यहाँ अग्रसेन भवन पर ऑफिस है। राजेंद्र भामू जी को टिकट मिल चुकी है। वैसे जो टिकट की बात चल रही है उसमें बबलू चौधरी जी का नाम जो है ये शुरू से आगे चल रहा था, नंबर एक पर उन्हें ही बताया जा रहा था, लेकिन फिर आखिरी वक्त में कुछ ऐसा उलटफेर होता है और भामू जी को टिकट मिल जाती है। तो यहाँ पर हैं राजेंद्र भामू जी और उनके समर्थक जो कि उत्साह से भरे हुए हैं। तो इस समय हम हैं झुंझुनू के गांधी चौक पर, और कल रात को जैसे ही ये खबर आई थी कि भामू जी को टिकट मिल गया है, यहाँ पर काफ़ी खुशी का माहौल था और यहाँ पर लगातार काफ़ी देर तक आतिशबाजियाँ की गईं, मिठाइयाँ बांटी गईं। तो यहाँ पर ये जो दुकानें वगैरह हैं, यहाँ पर हम बात करके देखते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है, आम वोटर का क्या मत है, उनकी क्या मानना है। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम है आपका? नीरज गोयल। ये आपकी शॉप है? जी हाँ। कितने साल से यहाँ पे? यहाँ 50 साल से। यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, बहुत आप लोगों की होती रहती है। जी जी। तो अपना उपचुनाव आ गया है, क्या माहौल चल रहा है? चुनाव बीजेपी के पक्ष में होना चाहिए जहाँ तक मेरी उम्मीद है, और क्यों भामू जी इनको पार्टी से पिछली बार टिकट नहीं मिला था और उनकी जो टिकट मिलने में जो बाधाएं आई या राजनीतिक प्रेशर रहा उसकी बदौलत लगता उसकी वजह से आ रहे अब उनको टिकट मिल गई है। अब उनको टिकट मिल गई है। उत्साह का माहौल है? खूब बढ़िया उत्साह है, जोश है, खरोश है। खूब उत्साह है। बीजेपी निकलेगी इस बार? लगता है बीजेपी खूब अच्छे से निकलेगी। भगवान लहराएगा? हाँ जी बिल्कुल लहराएगा। ओला जी का जो गढ़ है बहुत शक्तिशाली है, 4 विधानसभा चुनाव हो गए, 1 लोकसभा चुनाव हो गए, ओला परिवार यहाँ से शतक पे शतक मार रहा है। उनके पास टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं है फिलहाल। नहीं टिकट तो खैर वो आजकल में वो आ जाएगी। आप ये बताइए कि जो भामू जी को टिकट मिली आप लोगों का क्या मानना है कि ओला जी को या कांग्रेस को चुनौती दे पाएंगे? वो जीत के लिए मिली है।
वो जीतने के लिए मिली है। अच्छा, वो टिकट बाबू जी को जीतने के लिए। कल यहाँ का क्या माहौल था, रात को बता रहे हैं? खूब बड़ा आतिशबाजी हुई सर यहाँ पर। अच्छा। खूब आतिशबाजी हुई, बाबू जी के टिकट को लेके लोगों में उत्साह है। अच्छा, तो मतलब जैसे बाबू जी को टिकट मिली उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को पटाखे हटाके भिजवाई? नहीं भिजवाई नहीं, उनके भी कार्यकर्ता आए और लोगों में भी उत्साह है। मतलब आप लोगों ने अपने पटाखे लाए और उसको फोड़ा? हाँ सर, ये मान लीजिए उनके भी कार्यकर्ता आए थे और सब साथ में थे। देखिए हम मिठाई भी बटी है और मिठाई आगे भी बढ़ जाएगी सर, हम यही उम्मीद करते हैं झुंझुनूवासी, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा झुंझुनू से हारती आई है। बीजेपी लगातार खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है? खराब प्रदर्शन सर आपसी जो इनकी एक एक ट्यूनिंग होती है, एकजुटता नहीं है, बार बार बगावतें हो रही हैं, पार्टी में मतभेद हैं, यही मतभेद के कारण सर बार बार हार का कारण ये पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि इनको मुस्लिम वोट नहीं मिल रहे हैं। मुस्लिम वोट तो कभी भी नहीं मिलेंगे सर। नहीं क्यों नहीं मिलेंगे, पूरे देश में तो मोदी जी को मिल रहे हैं। मोदी जी इतने प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं तो बिना मुस्लिम वोट के तो नहीं। बार कहाँ प्रचंड बहुमत? नहीं पिछली बार आप ये बताइए सर, आपको अभी अभी के लिए आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट मिलेंगे भी नहीं। एक मिनट, आप अभी चुनाव देख लीजिए, कश्मीर का ही देख लीजिए आप। नहीं आप कश्मीर की बात छोड़िए, मैं पूरे भारत की बात, मैं पूरे भारत में बता रहा हूँ सर। सबसे ऊपर का एक हिस्सा लेके चल रहा नॉर्थ का। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट मिलेंगे भी नहीं। हाँ चलिए ठीक है। और फिर तीसरी बात यह कि ओला परिवार भी यहाँ बहुत शक्तिशाली है, उसको ओला परिवार ही कब्जा कर रखा है सर पूरी राजनीति पे। तो और आप लोग उस कब्जे को तोड़ना चाह रहे हैं? कोशिश तो यही है, तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ओला परिवार भी बहुत अच्छा परिवार है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में बदलाव जरूरी है सर। मतलब आप लोगों का मुख्य मानना ये है कि बीजेपी यदि अपनी आंतरिक कलह से आंतरिक फूट से उभर जाती है तो इस बार संभावना है? हाँ इस बार संभावना है, अगर राजेंद्र बाबूजी को मिली है तो पूरा प्रयास राजेंद्र बाबूजी। राजेंद्र बाबूजी को कितने साल से जान रहे हैं? राजेंद्र बाबूजी तो जब ये राजनीति में आए बस तब से। कैसा व्यवहार लगता है आपको? बहुत सही सहज है, आराम से मिलते हैं, बात करते हैं, अहंकार है नहीं, किसी लोगों की सुनते हैं नहीं, किसी तरीके का कोई। सर वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत रिच हैं, बहुत देखिए उन्होंने कभी ये चीज़ दर्शाई नहीं है, उन्होंने ये कभी चीज़ दर्शाई नहीं है। और मेरा मानना यही है कि राजेंद्र बाबूजी और बबलू जी में से जिसको भी टिकट मिलती वो दोनों ही बीजेपी के जीते, लेकिन इसमें बस एक मुख्य कारण यही रहेगा कि दोनों को आपस में समझना पड़ेगा एक दूसरे को। तो आप लोग समझाते क्यों नहीं कार्यकर्ता? सर देखिए ये आपसी मन का उनका कार्यकर्ताओं का काम है ना सर, आपको समझाना। कार्यकर्ता सर देखो सपोर्ट कर सकते हैं पार्टी को। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इससे संबंधित? जो भी अपडेट है वो हम आपको आगे देते रहेंगे, आप लगातार देखते रहिए तेजस न्यूज 167। और जो भी ये वीडियो जाते हैं इनमें जो बातें होती हैं, जो प्रश्न उठाए जाते हैं, उससे संबंधित जो भी आपके विचार होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और इसके साथ में जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पूरे वीडियो देखते हैं आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब का एक बटन दबाने में भी कुछ नहीं जाता है। तो आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167।